अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने लॉजिकल रीजनिंग का जो टेस्ट 7 है उसकी की को डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर हमारे पास जो है वो करेक्ट गिवन आंसर में से। तो जो हमारे पास टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 111 था, उसके अंदर हमारे पास एक अल्फाबेटिक सीरीज दी हुई थी जिसमें ए बी पी सी डी आर ई एफ आर ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमने ये प्रेडिक्ट करना था। तो हमारे पास अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे ए बी, अगर मैं पहले दो दो अल्फ़ाबेट्स लूँ तो ये क्या आ रहा है, सी डी ई एफ, तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, जी एच, ठीक है, नेक्स्ट नंबर होगा जी एच, यहाँ पे जी एच। अब मैंने देखना है कि जी एच वाला आंसर कौन कौन सा है। जी एच वाला ये भी एक आंसर है, ये भी जी एच आ रहा है, ये भी जी एच आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर चाहिए। तो फिर मैं जो इनके साथ तीसरा अल्फाबेट था उनमें देखूंगा उनमें क्या पैटर्न है। तो मैं देख रहा हूँ पी, पी के से क्या बन रहा है, क्यू, क्यू से क्या बनेगा, आर, क्यू के बाद आर आता है, और आर के बाद फिर क्या आता है, एस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। तो इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा है और जो बाकी आंसर्स हैं वो मेरे रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं अल्फा को चूज़ करूँगा और ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है मेरे। इससे हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 112 जो है, 112 के अंदर हमारे पास एक, इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक सिंबॉलिक सीरीज है, ये सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ बने हुए हैं, शेप्स बनी हुई हैं, हमने पैटर्न डिटेक्ट करना है कि मिसिंग प्लेस पे कौन सी शेप आएगी। देखिए अगर मैं इस पे पैटर्न तलाश करूं तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं उनके दरमियान एक स्क्वायर है, ठीक है, अगेन दो स्क्वायर हैं उनके दरमियान एक सर्कल है, फिर दो सर्कल्स हैं उनके दरमियान एक कह लें कि डायमंड शेप की जो है वो पड़ी हुई है, या जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ये पड़ी हुई है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो शेप यहाँ होती है वही यहाँ होती है, ठीक है, अगर यहाँ ट्राइंगल तो उसके यहाँ भी ट्राइंगल, अगर यहाँ स्केयर तो यहाँ स्केयर, अगर यहाँ सर्कल तो यहाँ सर्कल, इट मीन्स जो शेप यहाँ होगी वही यहाँ पे होगी क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लूँगा, मेरा वन आंसर है और वन आंसर में किस में आ रहा है, अल्फ़ा में, तो मैं कहूँगा मेरा अल्फ़ा आंसर है, ठीक है, मैंने जस्ट पैटर्न डिटेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास है 113 क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास इन मिसिंग प्लेस पे क्या